बड़ी। देख सकते गाइस आज काफी भीड़ है मंदिर में। तो गाइस दलजीत पाजी आप कहाँ लेके जाओगे हमें? आज दलजीत पाजी के साथ काफी मजा आ रहा है घूमने में। और ये देखिए गाइस कौवे पाजी क्या हो गया? अरे इनको तो गाइस दलजीत पाजी को बाइक में बैठने का शौक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कार में घूमते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक सुंदर सी वीडियो में। तो गाइस आज हम आपको लेके जा रहे हैं कालाडूंगी और कोटाबाग। तो आज हमारे साथ है दलजीत पाजी। तो आज हम सुबह सुबह निकले, दलजीत पाजी का कुछ काम था तो हमने कहा चलते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और थोड़ी वीडियो भी बना लेंगे। तो चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको कुछ शानदार सुंदर सुंदर चीजें जो हैं यहाँ पर हमारे कालाडूंगी और कोटाबाग क्षेत्र में। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज फुल मजे लेते हैं दलजीत पाजी के साथ। तो गाइस इस वक्त है हम कालाडूंगी से 10 किलोमीटर दूर और देखिए खेती खेत है हर जगह चारों तरफ और इस तरफ जंगल है और सामने है खेती खेत। गाइस अब चलते हैं यहाँ से कोटाबाग की तरफ और दलजीत पाजी का कुछ काम है कोटाबाग में और उसके बाद शायद हम हनुमान धाम भी जाएं। तो चलते हैं गाइस यहाँ से अब आगे को। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कोटाबाग वाले रास्ते में। यहाँ देखिए कितनी सुंदर नदी बह रही है और ये देख सकते हैं आप जंगल ही जंगल है हर जगह। ये देखिए नहर, इस रोड पार निकल रही है नहर। ये देखिए तो हम जा रहे हैं कोटाबाग की तरफ और ये रोड कोटाबाग से कालाडूंगी की तरफ भी निकलती है। चलते हैं गाइस, देख सकते हैं आप चारों तरफ जंगल ही जंगल। सिंगर आज है हम अपनी धन्नों में। दलजीत पाजी बहुत सुंदर व्यू है, देखो कितना प्यारी जगह है। तो चले दलजीत पाजी आगे को। बेर भी लगे, बेर लगे कहाँ लगे बेर? ओह ओ बेर लगे यहाँ। ये लगे हैं बेर, बचपन में बहुत तोड़ा करते थे हम याले बेर ये। तो चलो जल्दी पाजी शायद जंगली बेर होंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं कोटाबाग और देखिए कितना सुंदर है यहाँ से खेत और देखिए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये। तो गाइस कोटाबाग के बाद हम पहुंच गए हैं अब आज हनुमान धाम दर्शन करने के लिए क्योंकि आज है मंगलवार और दलजीत पाजी और हमारे मतलब मन किया कि आज यहाँ तक आए हैं तो अब चलते हैं बजरंगबली के दर्शन भी करते हैं। देख सकते गाइस आज काफी भीड़ है मंदिर में। तो यहाँ पर गाइस जूते चप्पल उतार दिए हैं। तो चलते हैं गाइस अब अंदर दर्शन करने के लिए। जय बजरंगबली।
दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं और काफी अच्छे दर्शन हुए। और आज मंगलवार है और काफी भीड़ भी है मंदिर में। तो गाइस देखिए, दलजीत पाजी कैसा लगा आपको आज? कितनी पहले भी आए हैं आप यहाँ मंदिर दर्शन करने? अच्छा, बहुत सुंदर बना दिया गया है। दलजीत पाजी 2-3 साल पहले आए थे दर्शन करने के लिए, और मैं जैसे 1 साल पहले भी आया था, आज फिर मौका मिला बजरंगबली दर्शन करने के हनुमान धाम के। तो गाइस चलते हैं, शायद मंगलवार है तो दलजीत पाजी को भूख भी लग रही है। चलो भंडारा वंडारा भी हो रहा होगा, तो खाते हैं भंडारा फिर चलते हैं यहाँ से हल्द्वानी को। जय माँ, जय माँ दुर्गा माँ, जय माता रानी, जय माता रानी। तो गाइस देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है मंदिर में। दर्शन करने के बाद चलते हैं अब यहाँ से हल्द्वानी को। तो गाइस देखिए काफी भीड़ है, देखिए गाइस चलते हैं हल्द्वानी। तो गाइस चलते चलते पहुंच चुके हैं भाखड़ा के पुल पे। भाखड़ा का पुल ही हुआ बाजी है। तो ये देखिए रामनगर से जो बहुत हल्द्वानी से रामनगर जाते हैं काफी लंबा एक पुल पड़ता है, काफी सुंदर नदी है, दिखाते हैं आपको गाइस। बहुत ही सुंदर और बहुत कम बह रही है आजकल, क्योंकि बरसातों में काफी पानी आता है इस नदी में। ये देखिए मेरे सामने बिल्कुल, और बहुत सुंदर व्यू। देखिए गाइस बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइस दलजीत पाजी आप कहाँ लेके जाओगे हमें? आज दलजीत पाजी के साथ काफी मजा आ रहा है घूमने में। और ये देखिए गाइस कौवे क्या है, क्या है दलजीत पाजी ये? तो गाइस शाम के 4 बजने वाले हैं और यहाँ से हल्द्वानी रह गया है अभी 40 किलोमीटर तो होगा दलजीत पाजी, 40 से ऊपर। तो गाइस देखिए चलते हैं, काफी सुंदर नदी है ये, बहुत बढ़िया पुल, बहुत लंबा भी है। रास्ते में आते आते कालाडुंगी अब सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है, और रास्ते में हमारा कॉर्बेट फॉल देख सकते हैं आप ये। और देखिए कॉर्बेट फॉल आजकल टूरिस्ट के लिए खुल चुका है, और यहाँ पर टिकट लेकर ये है। तो गाइस पूरा ये अंदर जंगल का रास्ता है, और आप भी आ सकते हैं कभी। यहाँ पर 50 रुपए का टिकट लगता है, और अंदर कॉर्बेट फॉल है जहाँ पर झरना बहता है, और आप बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं देखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा तालाब सामने, और सामने बैठे हमारे दलजीत पाजी। तो गाइस आज नहीं, किसी दिन आपको हम, आज तो बहुत लेट हो चुका है, किसी दिन आपको हम अंदर से लेके पूरा सीन दिखाएंगे जहाँ पर कॉर्बेट के अंदर एक झरना है और बहुत सारी चीजें हैं घूमने की। दलजीत पाजी और क्या क्या चीजें, आप गए हो कभी इसके अंदर? नहीं गए दलजीत पाजी? नहीं गए, मैं एक बार गया था, एक झरना है अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि
यहाँ पर आर्टिफिशियल हाथी बनाए हैं और हिरन बनाए हैं। तो चलते हैं गाइस, अब यहाँ से हल्द्वानी रह गया सिर्फ 20-22 किलोमीटर। तो गाइस शाम के 4:30 बज चुके हैं, चलते हैं गाइस अब आगे को। ये देखो दलजीत पाजी कह रहे हैं वीडियो मत बनाओ, दलजीत पाजी का चेहरा अजीब टाइप का हो चुका है। और यहाँ पर हम पहुँच गए देखिए भैया, यहाँ पकौड़े वेज पकौड़ा मिर्च पकौड़ा देखिए कितना लंबा है, देखिए बिल्कुल मिर्च पकौड़ा। तो आज दलजीत पाजी की तरफ से पार्टी हो रही है, तो गाइस खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ आगे को। अभी हल्द्वानी से 15 किलोमीटर रह गया है, दलजीत पाजी क्या हो गया? अरे इनको तो गाइस दलजीत पाजी को बाइक में बैठने का शौक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कार में घूमते हैं, आज हम इनको बाइक में ले आए। तो गाइस फटाफट खाते हैं यहाँ से ब्रेड पकौड़ा और मिर्च वाला पकौड़ा, फिर चलते हैं हल्द्वानी को। तो गाइस घूम फिर के पहुंच चुके हैं घर, काफी मजा आया कालाडुंगी घूमने में और कोटाबाग घूमने में और हनुमान धाम मंदिर के दर्शन करने में। तो गाइस दलजीत पाजी अपने घर चले गए हैं और काफी अंधेरा भी हो गया था, पिछले वीडियो का एंड वहां नहीं किया और इस वक्त पहुंच गए घर। और चलते हैं गाइस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, वादा करके फिर मिलेंगे आपसे एक और सुंदर सी वीडियो में। तो प्लीज जाने से पहले आपने करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं गाइस फिर मिलते हैं आपसे एक और सुंदर सी वीडियो में, तो गाइस बाय बाय।